जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव के चलते सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार कर लगातार पत्रकार वार्ता कर रही हैं और अपनी अपनी उपलब्धियां बताने में लगी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर शहर में आरक्षण विरोधी पार्टी भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। आरक्षण विरोधी पार्टी भी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है, जिसके चलते आज पार्टी के द्वारा आज पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व मध्य प्रदेश के प्रभारी ने बताया कि हमारी पार्टी के द्वारा पूरे भारत में 50 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं और मध्य प्रदेश में 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, और साथ ही जबलपुर लोकसभा सीट से स्वयं आरक्षण विरोधी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व मध्य प्रदेश प्रभारी चंद्र प्रकाश भटनागर लोकसभा चुनाव के मैदान में होंगे। जो है पूरे भारत में कम से कम 50 लोगों को लोकसभा चुनाव में उतार रही है, और जबलपुर से मैं चंद्र प्रकाश भटनागर आरक्षण विरोधी पार्टी से प्रत्याशी हूँ। मध्य प्रदेश से 6 लोग जो है इस लोकसभा चुनाव में उतर रहे हैं, उनका टिकट फाइनल हो चुका है और अगली लिस्ट जारी हुई है। मैं चाहता हूँ कि आरक्षण केवल गरीबों को मिले, आर्थिक आधार पर मिले, अमीरों को आरक्षण ना मिले, क्योंकि अमीरों को जरूरत नहीं है। यदि हम आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करवा कर और उस लागू करवाएंगे तो उससे देश से गरीबी भी खत्म हो जाएगी और आरक्षण भी खत्म हो जाएगा, देश का विकास चालू हो जाएगा। दूसरी चीज, SC ST एक्ट में दीपक मिश्रा जी ने बोला था कि पहले जांच हो, तो मैं भी चाहता हूं पहले जांच हो, उसके बाद यदि वो दोषी पाया जाता है तो उसको सजा निश्चित हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यदि 6 महीने तक उसको सजा बिना जाँच के हो गई तो उसके परिवार का पालन पोषण कौन करेगा, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और यदि वो निर्दोष पाया गया तो शासन को 50 लाख रुपए उसको जुर्माना देना चाहिए, और जिसने झूठी सजा झूठा केस किया है उसको जो है 5 साल बामुशक्कत सजा हो। इसके अलावा प्राइवेट फैक्ट्रियों और कार्यालयों में अभी तक किसी भी जो नेता या किसी पार्टी ने इस पर कदम नहीं उठाया है, मतलब प्राइवेट संस्थानों तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जो कर्मचारी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ओवर टाइम का जो मुद्दा है तो ओवर टाइम में डबल मिलना चाहिए उनको, जो डबल पैसा मिलता है जितने घंटे ड्यूटी करते हैं, कोई भी नहीं दे रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा है, उस पर भी हो। आपका नाम? चंद्रप्रकाश भटनागर।